एक्सरसाइज 3.3। अब क्वेश्चन नंबर 5 के आगे जो क्वेश्चन है उनके लिए पहले हमें ये डेफिनेशंस और ये नोट अपने दिमाग में तैयार रखना है। अलाइड एंगल्स, टू एंगल्स आर सेट टू बी अलाइड इफ देयर सम आर डिफरेंस। Is a multiple of pi by 2. Note, if the allied angle is minus theta, pi plus minus theta, 2 pi plus minus theta, the t ratio will not change. That is, sine will remain sine, cosine will remain cosine, and the sine of angle पॉजिटिव डिपेंड्स ऑन आर साइन एंड कोसेक, टेन एंड कॉट, कॉस एंड सेक। आर आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड अदर थ्री रेशोज आर नेगेटिव इन दैट क्वाड्रेंट्स। मान लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है तो उसमें सारे पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। देखिए यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये और फोर्थ क्वाड्रेंट ये। यहां पर 0 और 2 पाई और यहां पर पाई। अब ये वाला जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये होगा पाई माइनस थीटा और ये वाला क्वाड्रेंट होगा पाई प्लस थीटा। ऐसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 2 पाई प्लस थीटा और जहां पर होगा 2 पाई माइनस थीटा आर माइनस थीटा। तो इस केस में क्या होगा, मान लिया हमारे पास साइन 2 पाई प्लस थीटा आता है तो साइन 2 प्लस थीटा में टी रेशो चेंज नहीं होगी, वो साइन की साइन ही रहेगी, लेकिन उसका जो साइन है कि हमारे पास ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो डिपेंड करता है एड शुगर टू कॉफी आर साइन टेन कॉस, इस पर डिपेंड करता है। इसमें सारे की सारी टी रेशो पॉजिटिव होगी, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास आता है पाई माइनस थीटा तो पाई माइनस थीटा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और जहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ऐसे ही अगर आ गया पाई प्लस थीटा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और थर्ड मान लिया कॉस पाई प्लस थीटा है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन अब ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। अब ये देखना हमने कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं लेकिन बाकी टी रेशियो नेगेटिव होती है, तो इसलिए इसका क्या आएगा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये जो फिगर है ये अपने दिमाग में हमने बैठा लेनी है और ये इसके मुताबिक हमने उनको चेंज करना है। नोट सेकंड, इफ द अलाइड एंगल इज पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा आर थ्री पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा द टी रेशियो इज चेंज्ड इन द फॉर्म टेक ऑफ को इफ दैट इज प्रेजेंट, पुट ऑन को इफ दैट इज एब्सेंट। इसका मतलब ये हुआ
साइन जो है वो कोसाइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी ओ नहीं है। तो जब हम पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, इस केस में टी रेशो लेके हमारा एंगल होगा, तो साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोसाइन में, कोसाइन जो है वो हो जाएगा साइन में। ऐसे ही टेंजेंट जो है वो को टेंजेंट में, और कॉट जो है वो टेंजेंट में, सेक जो है वो कोसेक में, और कोसेक जो है वो सेक में, यानी कि अपने ये को फंक्शन में चेंज हो जाएंगे। अब हम एग्जांपल ले लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, फॉर एग्जांपल साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? देखिए अब ये पाई बाई टू माइनस थीटा में, तो ये साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ ये कोसाइन हो जाएगा। और कौन से क्वाड्रेंट में है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में? तो पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें सारी टी रेशो पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसाइन थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम ले लेंगे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई टू होगा या थ्री पाई बाई टू होगा, तो क्या हो जाएगा साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब मैं ले लूंगा साइन थ्री पाई बाई टू, यहां पर है माइनस थीटा, तो साइन जो है वो किसमें चेंज होगा? कॉस में। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो जहां पर पॉजिटिव क्या होता है? टैन और काट, तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन नेगेटिव है, तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हम ले लेते हैं साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, और साइन किस में चेंज हो जाए? कॉस में। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। अब सिमिलरली हम ले लेंगे कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, तो कॉस जो है वो किस में चेंज होता है? साइन में, यानी कि अगर सीओ को लगा है तो वो रिमूव हो जाएगा, और अगर नहीं लगा है तो वो लग जाएगा, जैसे साइन को नहीं लगा था तो लग गया, अब कोसाइन को लगा है को तो यहां रिमूव हो रहा है, तो ये हो गया साइन थीटा। लेकिन अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, तो कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से आगे ये सारी चेंज होगी। तो यहां पर एक और हमें बात लिखनी पड़ेगी, द साइन पॉजिटिव
depends upon all positive in first quadrant, sign and cosec second quadrant, tan and cot third quadrant, cos and sec fourth quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है. द अदर्स आर नेगेटिव इन दैट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होंगी, बाकी सब नेगेटिव होंगी. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगी, बाकी सब नेगेटिव होंगी. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगी, बाकी सब नेगेटिव होंगी. उस तरीके से हम ये सारी की सारी टीवी शो सॉल्व कर सकते हैं. अब इसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.3, कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई, माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, cos of pi by 4 minus x, cos of pi by 4 minus y, minus sin of pi by 4 minus x, sin of pi by 4 minus y. Put pi by 4 minus x equal to a and pi by 4 minus y equal to b. Therefore, cos of a, cos of b minus sin of a, sin of b. We know that cos A cos B minus sin A sin B equal to cos of A plus B. cos A plus B किसके बराबर होता है? cos A cos B minus sin A sin B. therefore cos of A pi by 4 minus x प्लस पाई बाई 4 माइनस बाई आर कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस बाई आर कॉस ऑफ 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस वाई. टू वन जर टू, टू टू जर फोर. और कॉस ऑफ
पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहां पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल साइन टेन कॉस। अब देखिए यहां पर जो मैंने नोट आपको पहले दिए हैं, अब कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई, इसका मतलब ये हुआ कॉस 90 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशो पॉजिटिव होती है, लेकिन एक कंडीशन है कि जिसको को लगा होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, यानी कि को रिमूव हो जाएगा, को साइन, तो को रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास टी रेशो क्या आ जाएगी? साइन, साइन थीटा एक्स प्लस वाई। अब ये साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी टी रेशो पॉजिटिव होती है, इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? साइन थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था। Therefore, left hand side equal to right hand side because cos 90 minus theta equal to sin theta. Question number 7. tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x equal to 1 plus tan x whole square over 1 minus tan x whole square. Taking left hand side, tan pi by 4 minus x over tan pi by 4 minus x. We know that tan a plus b equal to tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b, and tan a minus b equal to tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b. अब यहां पर हमारे पास है tan pi by 4 plus x, so therefore ये हमारे पास हो जाएगा tan pi by 4 प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स ओवर टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स। तो इसको याद रखने के लिए आपने क्या रखना है, ए प्लस बी है तो ऊपर ए प्लस बी होगा और नीचे माइनस होगा, और जब क्वेश्चन में माइनस है तो ऊपर जो है वो माइनस होगी और नीचे प्लस होगा।
पास ये आ गया टेन पाई फोर वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस वन इंटू टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स ओवर वन प्लस वन इंटू टेन एक्स बिकॉज टेन पाई बाई फोर इक्वल टू वन 45 डिग्री होता है टेन पाई बाई फोर। तो ये हो गया वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन एक्स। अब हम बाय इन्वर्शन ये टर्म ऊपर चली जाएगी वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स इंटू ये ऊपर चला गया वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स। तो ये हो गया हमारे पास वन प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर ओवर वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। आर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर एट कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें पाई बाई टू माइनस थीटा आर टू पाई प्लस थीटा, इसमें पाई बाई टू माइनस एक्स यानी कि थीटा और इसमें है पाई माइनस थीटा। ये आ गया पाई प्लस थीटा आर थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, ये आ गया थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा आर टू पाई माइनस थीटा आर माइनस थीटा भी हम उसको। तो इसमें आएगा आर साइन टेन कॉस। अब देखिए कॉस पाई प्लस एक्स यानी कि पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा, इधर लिखते जाएंगे बिकॉज कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि टी रेशो पाई और टू पाई में चेंज नहीं होती। उसके बाद है कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा एंगल यहाँ पर है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये आ गया इंटू कॉस cos x इंटू कॉस एक्स ओवर साइन पाई माइनस एक्स पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो साइन का साइन ही रहा और साइन जो है वो पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया।
साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद है कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और कंडीशन क्या है हमारी, पाई बाई टू प्लस थीटा। तो जब पाई बाई टू प्लस थीटा होगा या पाई बाई टू माइनस थीटा होगा या थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा होगा या थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा होगा, तो टी रेशो जो है वो उसके को फंक्शन में चेंज हो जाएगी, यानी कि जिसको को लगा है वो रिमूव हो जाएगा और जिसको नहीं लगा है उसको लग जाएगा। तो यहाँ पर को साइन को लगा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा तो हो गया, लेकिन अब हमने देखना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसलिए ये माइनस साइन थीटा होगा। तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस और माइनस कैंसिल, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर। आर कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर, कॉट स्क्वायर एक्स। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।